कानपुर पुलिस ने दिव्यांग महिला से गाड़ी में डीजल डलवाने के लिए 15,000 रुपए की घूस ली। आइए जानते हैं इस शर्मनाक घटना के बारे में। इस बार कानपुर पुलिस ने जो काम किया है उसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान है। इस बार कानपुर पुलिस ने खाकी को शर्मसार करने का काम किया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कानपुर में हाल ही में एक बुजुर्ग महिला का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में दिव्यांग महिला अपने बेटी खोजने के लिए पुलिस से गुहार लगा रही थी, साथ में पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगा रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने बेटी को खोज निकाला है, लेकिन अब बेटी ने मां के साथ जाने से ही इनकार कर दिया है। जब बुजुर्ग महिला ने अपने बेटी से घर चलने के लिए कहा तो उसने सीधे सीधे इनकार कर दिया। नाबालिग बेटी ने अपने पति के घर जाने की बात कही। जी हां, दरअसल 27 दिनों बाद जब पुलिस ने बेटी को खोजा तो वो नौबस्ता की नट बस्ती में छिपकर ठाकुर नाम के व्यक्ति के साथ रह रही थी। ठाकुर का दावा है कि दोनों ने मंदिर में शादी कर ली है। महिला ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उसकी बेटी खोजने को लेकर उसका शोषण किया गया। पुलिस वालों ने उसकी शिकायत नहीं सुनी। बार बार जाने पर उससे जांच के नाम पर 15,000 रुपए का डीजल भरवाया। महिला का दावा था कि उसने भीख मांग कर डीजल भरवाने का काम किया था। आपको बता दें कि 7 जनवरी को बेटी लापता हो गई थी। महिला ने 2 दिन तक उसका इंतजार किया, उसके बाद जब वो वापस नहीं आई तो 9 जनवरी को महिला ने थाने पर अपहरण का केस दर्ज कराया। जानकारी के मुताबिक महिला ने 5 लोगों का नाम जद और 2 लोगों पर अज्ञात मुकदमा दर्ज करा दिया। तो इस प्रकार की शर्मनाक घटना के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइए और हमारी इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।